नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। भाजपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने से एक दिन पूर्व तक यूपीडा तथा राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों की शिकायतों का निस्तारण करने हेतु गांवों का दौरा कर रहे हैं। आज शुक्रवार को भी यूपीडा के एडीएम राजस्व विभाग के अमले के साथ तहसील क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों में किसानों की चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। मेरठ के बिजौली गांव से इलाहाबाद के जुदापुर गांव तक जाने वाला 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे उन्नाव जिले की कई तहसीलों से होकर गुजरेगा। इसकी जद में बांगरमू तहसील क्षेत्र के भी कई गांवों की जमीनें आ रही है। यूपीडा द्वारा इन गांवों के किसानों की जमीनें अरसा पूर्व अधिग्रहित की जा चुकी है। मुआवजे की रकम पाने के लिए किसानों ने तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगाई है। इन्हीं शिकायतों का निस्तारण करने आज यूपीआ के एडीएम अरुण कुमार राय राजस्व विभाग के अमले के साथ मोहलिया, हरिपुर, बेहटा, मुजावर, अर्गुपुर, तमोरिया बुजुर्ग आदि गांवों में पहुंचे और किसानों की चौपाल लगाई। चौपाल में श्री राय ने किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। मालूम हो कि मेरठ से इलाहाबाद तक जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे करीब 36,200 करोड़ की लागत से बनेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली व प्रतापगढ़ से होते हुए इलाहाबाद पहुंचे। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।